यहाँ देखिए, आज का जो हमारा जो डाउट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मैं उसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, और अगर तब भी कुछ समझ में ना आए तो फिर जरूर पूछिएगा, ठीक है? और भी कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बनते हैं, डाउट पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग डाउट पूछते हैं तो, ठीक है? चलिए देखिए क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले मैं ये टू क्वेश्चन पूछे थे आपने, तो मैं पहले मैं ये फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है? उसके अगर अपन इसको करेंगे, आई होप कि क्वेश्चन यही होंगे, ठीक है? इसमें ये जो है 3a^5 है, बस, है ना? मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, वैसे ये यही होगा, ठीक? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, a^4 - 1 लिखा है। आप देखो क्या मैं a^4 को, ये जो a^4 है, क्या मैं उसे a^2 की पावर 2 लिख सकता हूं? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो किसी नंबर की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, तो हम बोलते हैं x^m^n। इसका मतलब होता है m×n। तो अगर 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो इसे मैं a^4 लिख दूंगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो a^4 है उसकी जगह पर a²² मतलब a^2 - 1 लिख सकता हूं। अब देखो 1 की पावर तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं, 1 की पावर कुछ भी लगाऊंगा वो 1 ही रहेगा। तो मैं क्या इसको कैसे लिख दूंगा, a^2 - 1 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा अब ध्यान समझना भाई, मैंने कर क्या लिया, मैंने इसको एक फॉर्म में बदल लिया। कौन सी फॉर्म में? देखो अगर मैं इस वाले को एक्स मान लूं और इस वाले को वाई मान लूं, तो देखो x²-y² बन गया, x²-y² क्या होता है, x+y, x-y होता है ना? तो देखो यहां पर x क्या है, ये पूरा a², ठीक है, और ये 1 है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, a²+1 and a²-1। ऐसा क्यों किया मैंने समझ में आया? देखो x²-y² = क्या होता है, x+y, x-y। तो भाई इस आगे वाले की पावर भी 2 है, पिछले की पावर भी 2 है, तो आगे वाले और पिछले को दोनों को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर हुआ इतना? अब देखो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ये तो वैसा ही रहने वाला है, पर यहां पर मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है? देखो कैसे, क्या मैं इसको a² और इस वाले को फिर से 1² लिख सकता हूं? फिर से वही फॉर्मूला लगा दूंगा, a²-b² मतलब x²-y² तो क्या मैं इसको ये लिख दूंगा, a²+1, तो यही सेम उतार दिया। इसको देखो अब x की जगह पर क्या आ गया, a, और y की जगह पर क्या आ गया, 1। तो मैं इसको लिख दूंगा a+1 a-1। तो यही हमारा आंसर है और हमने इसको यही फैक्टराइज किया है। क्लियर हुआ? सेकंड जो आपका डाउट था वो इसमें था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं? ठीक है, अगर मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं तो पहले मैं वो देखूंगा, ठीक है? तो आप देखो क्या 1083 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड करके देखेंगे, 1083/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कितना बचा, 1, तो ये 18 हो गया, 3 6 जा 18 मतलब 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ जाएगा। तो मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, अब a भी कॉमन लेना है, तो भाई a^5 तो नहीं ले पाऊंगा, a^3 ले लूंगा। क्यों समझना, मैंने 3 a^3 कॉमन ले लिया, उससे हुआ क्या भाई, 3 उठ के चला गया बाहर, a^5 थी, 5 में से 3 चली गई, तो क्या बचेगी, 2 बचेगी कि नहीं? देखो 108 में से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, अब भी निकाला मैंने 36। अब ये पूरा a3 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, ठीक है? अब देखो 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 × 6 लिख सकता हूं, बस। तो 36 को मैंने लिख दिया 6², ठीक। अब यहां पे फिर से फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, x²-y², आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर। तो क्या करते हैं भाई, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, बस आ गया आंसर
3a³ हम लिख देंगे इसको a प्लस सिक्स और इसको लिख देंगे a माइनस सिक्स, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।